शिव पार्वती विवाह की धूम, भोले बाबा की बारात निकाली गई, नाचते गाते हुए निकले भूत प्रेत, साथ ही नगर भोज में हजारों शिव भक्त हुए शामिल। शिव पार्वती विवाह के चलते आज उज्जैन शहर में शिव बारात निकाली गई, जिसमें भूत प्रेत और पिशाच नाचते गाते हुए सड़कों पर निकले, जिन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इसके बाद नगर भोज का आयोजन किया गया, जिसका लाभ हजारों शिव भक्तों ने प्रसादी लेकर लिया। शिव की नगरी उज्जैनी में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का पर्व महाशिवरात्रि बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और पूरे 9 दिनों तक विवाह में होने वाली रस्में भी निभाई जाती है। इसके पश्चात विभिन्न मंडलों द्वारा नगर भोज का आयोजन किया जाता है और विवाह की अन्य रस्में भी निभाई जाती है। इसी के चलते श्री महाकालेश्वर शयन आरती भक्त परिवार द्वारा 2 दिवसीय शिव पार्वती विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके चलते सोमवार को हल्दी मेहंदी लगाई गई और दूसरे दिन धूमधाम के साथ शिव बारात निकाली गई, जिसमें महाकाल बाबा के गण, भूत प्रेत, पलित और पिशाच सड़कों पर नाचते गाते हुए निकले। इसके बाद नगर भोज का आयोजन किया गया, जिसका लाभ हजारों शिव भक्तों ने प्रसादी ग्रहण करके लिया। कार्यक्रम संयोजक राजेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले करीब 30 वर्षों से शिव पार्वती विवाह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नगर भोज का आयोजन किया जाता है। नगर भोज में करीब 40 से 45 हजार नगरवासी शामिल होते हैं। इस वर्ष भी यह आयोजन 18 और 19 मार्च को किया गया। कल महिला मंडल द्वारा विवाह के गीत गाए गए और एक दूसरे को मेहंदी और हल्दी लगाई गई। आज शहर के प्रमुख मार्गों से शिव बारात निकाली गई। इसके पश्चात नगर भोज शुरू हुआ, जिसका लाभ हजारों शिव भक्तों ने लिया। इस रिसेप्शन में सब्जी, पूरी, खीर, खोपरा पाक के साथ कई प्रकार की मिठाइयों के साथ साथ गन्ने का रस, शिकंजी, पानी पतासी और पान भी भक्तों को खाने को मिले। इधर माया मालवी ने बताया कि कार्यक्रम में आए वरिष्ठ जनों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में शहरवासी ही नहीं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा इंदौर, देवास, शाजापुर, भोपाल, नागदा सहित अन्य जगह से भी भक्त जन पहुंचे थे। सभी को जय श्री महाकाल। ये बाबा महाकाल की शिव बारात है, जो प्रत्येक अनुसार इस साल भी बड़ी धूमधाम से निकाली है। भूत पलीट बैंड डीजे और सभी साथ में जा रहे हैं सीधे गंगेश्वर महादेव मंदिर से गोपाल मंदिर होते हुए महाकाल मंडप पे पूरा नगर भोज रखा गया है। नगर भोज में पूरा शहर आमंत्रित है। जय श्री महाकाल। महाकाल चयन आरती के नेतृत्व में विगत 24 वर्षों से नगर भोज का आयोजन किया जा रहा है। बाबा महाकाल चूंकि मृत्यु लोक पर वासा है और अनादिकाल से महाकाल व्याप्त है धरती पर,
तो जब हल्दी का वरण भी बाबा महाकाल ने धरती पर किया था, इसी मृत्यु लोक पर किया था, उसी निमित्त हम दो दिवसीय कार्यक्रम करते हैं। पहले दिन इसके अंदर हम हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम करते हैं जिसमें हजारों महिलाएं भाग लेती है और शाम को विभिन्न तरह के पकवान कराए जाते हैं। अगले दिन हम फिर नगर भोज का आयोजन करते हैं। शिव बारात भी निकाली जाती है, किस प्रकार का शिव बारात होती है, क्या क्या व्यंजन लेते हैं, कैसे? 12 बजे से हम लोग नगर कोट से पार्षद माननीय राजेश बाथम जी के नेतृत्व में, अनिल फिरोजिया जी के नेतृत्व में बारात निकालते हैं। बारात शाम को 5 बजे यहाँ पहुँची, उसमें हाथी घोड़ा ऊँट बग्घी हजारों लोग विद्यमान थे और हमने हजारों लोगों का भोजन बनाया है जिसमें सब तरह के 56 भोग, नुक्ती, बाबा की प्री, खीर, रसगुल्ला, कचौरी, बतासी, 56 प्रकार के भोग बनाए हमने। उज्जैन जिले की बंडगर तहसील के ग्राम भाट पछलाना क्षेत्र में खेत पर फसल की रखवाली करने के लिए सो रहे किसान की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। सुबह जब घरवाले खेत पर पहुंचे तो घटना का पता चला। फिलहाल पुलिस डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है। बंडगर के पास भाट पछलाना थाना क्षेत्र के ग्राम बालोदा लखा गांव के किसान किशन सिंह चावड़ा अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत पर लहसुन की फसल की रखवाली करने के लिए खेत पर ही सो रहे थे। अल सुबह जब वो घर नहीं पहुंचे तो परिवार वालों ने खेत पर जाकर देखा कि उनके सिर से खून बह रहा है और वे बेसुध पड़े हैं। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची जहां किसान की हत्या की बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक किसान के सिर पर हथियारों से वार करने के निशान मिले हैं। जहां हत्या हुई है वहीं पास में उनके भाई का घर भी है। शुरुआती जांच में किसी परिचित द्वारा घटना को अंजाम देना प्रतीत हो रहा है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि हत्याकांड के मामले में कुछ इनपुट्स मिले हैं जिनके आधार पर जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। भाट पछलाना थाना अंतर्गत एक गांव है बालौदा लखा, करीबन वहाँ पर एक किशन सिंह राजपूत जी हैं, उनकी उम्र करीब 50 वर्ष से ज़्यादा है। उनकी वो रात में अपने खेत पर सोए थे, उनके खेत में लहसुन की फसल कटी रखी थी और उनके पास में ही कुछ दूरी पर उनके भाई का भी खेत है, जो भाई भी वहीं पर थे और परिचित भी वहीं पर थे। इसी दौरान रात में किसी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, उनके सर पर चोट है। वहाँ पर हमारी साइबर FSL और जो डॉग स्क्वाड है वो अभी मौके पर उपस्थित है। SDOP मैडम और TI साहब भी वहाँ पर हैं। मामले में अभी विवेचना की जा रही है, साथ ही PM के लिए बॉडी को भेजा गया है, तो अगर किसी और प्रकार की चोटें होंगी तो वो भी उसके माध्यम से क्लियर की जाएगी। ये हत्या का मामला है परंतु अभी इसमें हम लोग डेवलप कर रहे हैं, हमारी FSL की और डॉग स्क्वाड लगा हुआ है, तो इसमें कुछ लोगों के खिलाफ कुछ अभी तक हम लोग को इनपुट मिले हैं जिसको डेवलप किया जा रहा है, वो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि एग्जैक्टली वो तो PM अभी जो प्रारंभिक फोटोज़ और जो FSL ने मुझे अवगत कराया है वो सर में चोट होने का से मृत्यु होना है, परंतु अगर ऐसी भी कोई होगी तो वो PM रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा। उज्जैन जिले से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बंडगर क्षेत्र में स्थित बुद्धेश्वर महादेव मंदिर सुर्खियों में बना हुआ है, जहाँ पर महाशिवरात्रि के मेले के दौरान भगवान श्री बुद्धेश्वर महादेव का मंदिर 51 लाख रुपए से सजाया गया। मंदिर में वैसे तो दिन में दर्शन शुरू नहीं होते हैं लेकिन शाम 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक मंदिर में भगवान के दर्शन जारी है, जिसे देखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। श्री बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि पर बाबा श्री बुद्धेश्वर का हर वर्ष नोटों से श्रृंगार किया जाता है। पिछले 3 वर्षों से मंदिर की सजावट 7 लाख 11 लाख 21 लाख रुपए से की जा चुकी है। इसके बाद इस वर्ष 1 से लेकर 500 रुपए के लगभग 51 लाख नोटों से मंदिर की सजावट की गई है। पुजारी शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि यह श्रृंगार 23 मार्च तक रहेगा, इसके बाद श्रद्धालुओं द्वारा दी गई राशि वापस लौटा दी जाएगी। आपने बताया कि मंदिर में दर्शन शाम को 5 बजे से रात 11 बजे तक होते हैं, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है। बुद्धेश्वर महादेव का मेला 21 साल से लग रहा है, 2004 से चालू हुआ था, विगत 21 साल से मेला लग रहा है। यहाँ पे 3 बार से नोट का श्रृंगार किया गया, पहली बार 7 लाख का किया गया था, फिर दूसरी बार 21 लाख का और इस बार 51 लाख का श्रृंगार किया गया। और बुद्धेश्वर समिति में आए दिन कार्यक्रम होते रहते हैं, भागवत जी का हुआ, ओम नमः शिवाय, जाप सावन में अखंड चलता है, हमेशा धार्मिक कार्य होते रहते हैं। ये पूरा 3 सालों से नोट का श्रृंगार हो रहा है, पहले साल 7 लाख हुआ था, अगले साल 21 लाख हुआ था, आपके 51 लाख का श्रृंगार किया गया है यहाँ पे।
ये वर्षों से कम से कम 21 वर्षों से मेला लग रहा है यहाँ पे। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं बुद्धेश्वर महादेव उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। लाखों से पब्लिक ग्रामीण वगैरह से आती है। भव्य मेला बंडेगर में यहाँ पर लगता है। उज्जैन के पास तहसील माखड़ोन जिला उज्जैन गांव सालना खेड़ी कॉलोनी में माखड़ोन थाना क्षेत्र में घर के बाहर डीजे बजा रहे युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की बात को लेकर युवक के साथ मारपीट की घटना हुई है। फिलहाल युवक को उपचार के लिए उज्जैन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। माखड़ोन थाना क्षेत्र में रहने वाले राधेश्याम के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घायल राधेश्याम जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मैं अपने खेत से घर जा रहा था, उसी समय रास्ते में डीजे बंद कराने को लेकर एक युवक ने पुरानी रंजिश की बात को लेकर पहले तो डीजे बजाने से मना किया। जब राधेश्याम ने कहा कि मैं डीजे क्यों बंद करूं, तो आरोपी ने राधेश्याम के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी। मामले में पुलिस ने राधेश्याम को उपचार के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल में रेफर करवाया है। वहीं आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। डीजे बंद करो तो डीजे बंद भी कर लियो हमने। फिर आई के लिए लकड़ी लेके लाठी लाठी चार्ज कर दी अपने अपन ने साधे सवाल था। कितने लोग घायल हो, कितने लोग ने? तीन लोग, तीन है हम, तीन कहीं से हमला कर दिया? डंडा लकड़ी से पुराड़ी तलवार भी दिख रहा था। कहाँ पर? ये सालना खड़ी की कॉलोनी। विवाद तो ऐसा ही था, तो खाली छोटा मोटा पर हमारे एकदम यहाँ विवाद हो ज़्यादा रोड दो। खेत पे से आया था, खेत पे से आया जा घर जाके ना वहीं पे मेरी दुकान भी है।